प्रश्नावली 9.1 के पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक हल किया था। आज प्रश्नावली 9.1 के पार्ट 2 वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5, एक रेडियो 540 में खरीदी गई तथा 15% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है। तो हमारा सबसे पहले यहां दिया क्या हुआ है, रुपया 540, तो 540 रुपया ये क्या है, क्रय मूल्य है, और ये लाभ प्रतिशत है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो यहां क्रय मूल्य ये दिया हुआ है 540, और ये प्रतिशत लाभ ये है 15%, तो हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य ये निकालना है। तो यहां लाभ प्रतिशत में है, सबसे पहले हम इसका जो शुद्ध लाभ है ये निकालेंगे। तो ये शुद्ध लाभ होगा 15% है, तो 15/100 गुना 540, ये शून्य और ये शून्य कट गया, ये 5 से 2 बार में, तो ये 5 तिहाई 15 हो गया, और ये 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जा रहा है 27, 2 × 4 एक बच गया 14, 2 × 7 = 14, तो 27 × 3 = 21, 7 × 2 = 3 × 6 और 2 = 8, 81 रुपया ये लाभ आ गया, 81 रुपया। इसलिए विक्रय मूल्य, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा है 540 और लाभ आ गया हमारा 81 रुपया, इसे हम जोड़ दे रहे हैं तो ये हो गया 1, 8 और 4 = 12, 2 हाथ में रहा 1, 5 और 1 = 6, तो ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य 621 रुपया। प्रश्न संख्या 6, 15% के लाभ पर एक वस्तु 150 रुपया पर बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां हमारा दिया हुआ है सबसे पहले प्रतिशत लाभ, यह है 15%, और यह है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है हमारा 150 रुपया। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य ये निकालना है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग इस तरह से हल करेंगे। मान लिया जो हमें निकालना है उसे हम मानते हैं, मान लिया कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो यहां लाभ कितना होगा, 15% है यानी 100 में 15 रुपया लाभ है, तो हमने 100 लिया है क्रय मूल्य, तो लाभ हो जाएगा 15 रुपया। तो इस स्थिति में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य जोड़ लाभ 100 और जोड़ 15, 115 रुपया, ये विक्रय मूल्य हो गया। जब विक्रय मूल्य 115 रुपया है तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। एक एक नियम से बना रहे हैं इसे। जब विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/115।
इसलिए जब विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 150 रुपया, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 बटा 115 गुना 150। तो इसे हम 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, एक 15, एक हो गया 15 हो गया, तो 5 तिहाई 15, और इसे 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और ये 0 30। तो ये आ गया है 3000/23। अब 3000 में हम 23 से भाग देंगे और जो आएगा वही हमारा क्रय मूल्य होगा। इसे आप खुद से भाग दें और खुद से इसे निकालें। प्रश्न संख्या 7। एक किसान को अपना बैल 2500 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, बैल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी हमने प्रश्न संख्या 6 बनाया था, तो ये प्रश्न संख्या 7 ठीक 6 की तरह ही बनेगा। आप प्रश्न को मिला के ले, वो प्रश्न बिल्कुल एक ही जैसा है। प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 25%, विक्रय मूल्य है 2500, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो मान लिया कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, हमेशा हम लोग 100 रुपया ही मानते हैं, और लाभ दिया हुआ है 25 रुपया, तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 100 और जोड़ 25, 125। जब विक्रय मूल्य 125 है तो क्रय मूल्य 100, जब विक्रय मूल्य 1 है तो क्रय मूल्य 100/125 हो जाएगा, जब विक्रय मूल्य 2500 है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/125 और गुना 2500। ठीक इसी तरह से हमने प्रश्न संख्या 6 में भी किया था। अब इसे काटेंगे 125 से, हम इसे काटेंगे तो ये दो बार में कट जाएगा, 250 और फिर 120, तो 100 गुना 20 ये आ जा रहा है हमारा 2000 रुपया। तो हमारा जो क्रय मूल्य हमें जो ज्ञात करना था वो क्रय मूल्य हमारा आ गया 2000 रुपये। प्रश्न संख्या 8। एक व्यापारी 20 रुपये प्रति किलो आलू खरीद कर 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहां क्या दिया हुआ है, सबसे पहले प्रति किलो आलू का क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य है 20 रुपया प्रति किलो, और विक्रय मूल्य बेचता है यानी विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है रुपया 15 प्रति किलो। तो हम देख रहे हैं कि इसका खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य ये ज्यादा है और इसका विक्रय मूल्य कम है, वो अधिक में खरीद के, अधिक पैसे में खरीद कर, अधिक रुपए में खरीद कर वो कम में बेच रहा है, अर्थात उसको हानि हो रहा है। तो हमें यहां निकालना क्या है, हानि ये नहीं मालूम है और प्रतिशत हानि, ये प्रतिशत हानि निकालना है। तो हानि का क्या फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा है यहां 20 रुपया और विक्रय मूल्य 15, तो कितने की हानि हो जा रही है, इसे 5 रुपया प्रति किलो की हानि हो रही है। तो ये हानि तो हमारा निकल गया, अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत, ये प्रतिशत हानि। तो इसका क्या फॉर्मूला है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि आया हमारा 5 रुपया
और क्रय मूल्य कितना है 20 रुपया गुना 100। तो ये 20 से हम यहां पर 100 को काटते हैं, 20 बचे 100, तो ये आ गया 5 बचे 25% हानि। तो उस व्यापारी को प्रति किलो 25% की हानि हो रही है। प्रश्न संख्या 9। एक दुकानदार 250 रुपया प्रति बोरी के दर से 5 बोरी सीमेंट खरीदता है, उसे लाने में 50 रुपया अतिरिक्त व्यय होता है, सीमेंट को कितने में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। तो यहां प्रति बोरी क्रय मूल्य है 250 रुपया, तो आइए इसे लिखते हैं, क्रय मूल्य है 250 रुपया प्रति बोरी। तो 5 बोरी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हो जाएगा 5 गुना 250 यानी 1250 रुपये। अब अतिरिक्त खर्च कितना हो गया है, अतिरिक्त व्यय 50 रुपया। 5 बोरी उसने क्रय किया 1250 में, अब उसे लाने में उसे जो अतिरिक्त व्यय हो रहा है वो 50 रुपया है। तो 5 बोरी का कुल क्रय मूल्य या कुल लागत जो भी कहें, कुल क्रय मूल्य या कुल लागत जो कहें, तो ये 1250 और इसमें 50 रुपया और उसको खर्च हो गया, तो ये हो गया 1300 रुपया। तो 1300 रुपया में उसने 5 बोरी जो सीमेंट था उसे खरीदा, कुल लागत कुल व्यय मिला के। तो अब उसे कितना लाभ चाहिए, अब उसे लाभ चाहिए 25%। तो लाभ, तो लाभ का हमारा क्या फॉर्मूला है, 25% चाहिए, तो 25/100 और कितने रुपए में 25% चाहिए, 1300 रुपये में। तो ये और ये और ये कट गया। अब 25 को आप 13 से गुना करेंगे तो ये आता है 325 रुपया, 325 रुपया आता है। तो उसका कुल क्रय मूल्य जो 5 बोरी का था ये 1300 था और इस पर इसको लाभ चाहिए 325 रुपया। तो इसका कुल विक्रय 5 बोरी का 5 बोरी का 5 बोरी सीमेंट का, थोड़ा सा इसे साफ से लिख दूं, पांच बोरी सीमेंट का विक्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य था इसका 1300 रुपया और इस पे इसको लाभ चाहिए 325 का। तो ये कितना हो गया, 5, 2, 6, 1, 5, 1625 रुपया इसका 5 बोरी का विक्रय मूल्य होना चाहिए। इसलिए प्रति वो बोरी विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 1625/5। तो 5 से भाग दें, 5 तिहाई 15, 1 बच गया 12, 5 दूनी 10 और फिर 2 बच गया 25, 5 बचे 25, यानी प्रति बोरी उसे 325 रुपया में बेचना चाहिए। एक बोरी का मूल्य 325 रुपया
उसको लेना चाहिए, तभी उससे 25% का लाभ होगा। आइए अब हम लाभ हानि से संबंधित कुछ परिभाषाओं और कुछ फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। लाभ, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है। हानि, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि होता है। वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य बराबर हो जाने पर न तो लाभ होता है और न ही हानि। कुछ और परिभाषाओं और फॉर्मूला को देखते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी SP, लाभ को प्रॉफिट, हानि को लॉस। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक होता है एवं विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाओ लाभ, और ये हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि। ये हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ये होता है, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाओ हानि। ये हानि की स्थिति में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। 100 पर जितना लाभ या हानि होती है उसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। हम देख रहे हैं क्रय मूल्य पर ही ज्ञात कर रहे हैं, तो इन फॉर्मूला को आपको याद कर लेना चाहिए। इन्हीं के आधार पर सारे प्रश्न लाभ हानि के बनेंगे।